फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे जैलिक एसिड क्रीम की, जो कि डर्मेटोलॉजिस्ट काफ़ी ज़्यादा प्रिस्क्राइब करते हैं एक्ने के लिए। तो इसमें बहुत ज़्यादा पेशेंट्स कई बार क्लिनिक में आके कहते हैं कि हमें पहले भी किसी ने दिया, इससे हमारे रेडनेस हो गई, बर्न हो गए। तो इसके लिए हम आज देखेंगे कि इसको लगाना कैसे है। हमें इसे बहुत कम क्वांटिटी में लेना है, राइट, एंड इसको बहुत जेंटली लगाना है और अब्जॉर्ब कर देना है। जैसे मैंने हल्का सा लिया, आई हैव स्प्रेड इट ऑन द दिस साइड ऑफ द चीक बहुत जेंटली। फिर मैंने उसी फिंगर टिप से थोड़ा सा और लिया, मैंने इसको भी पूरे फेस पे जेंटली स्प्रेड कर दिया। अगर आपके ये हिस्से ड्राई हैं नोज़ की साइड पे तो हम इसको स्किप करेंगे, बट यस वी कैन यूज़ इट ऑन द नोज़ बट वेरी जेंटली एट ना एंड लास्ट ऑफ ऑल द फोरहेड। सो इट शुड बी वेरी लिटल, जस्ट वन और टू मूवमेंट, सी इट्स गेटिंग एब्जॉर्ब्ड, राइट। सो अगर आपकी स्किन बहुत ड्राई है तो आप ऐसा भी कर सकते हैं कि पहले आप मॉइस्चराइज़र लगाएं एंड देन उसके ऊपर से 5 मिनट के गैप पे फिर अजैलिक एसिड क्रीम लगाएं। अगर आप इस तरीके से लगाएंगे ना आपको ड्राइनेस होगा, ना बर्निंग होगा, ना ब्राउन पैचेस होंगे, जो कि लोग अक्सर कंप्लेन करते हैं कि हमारे ब्राउन पैचेस हो गए थे, स्किन जल जैसा गया था और वो ठीक नहीं हुआ, देन हमें काफ़ी देर परेशानी उठानी पड़ी, बहुत देर में हील करा। तो अगर आप केयर करेंगे तो कुछ भी नहीं होगा, एंड दिन में आप अपना जो भी डे केयर रेजीम है उसको बहुत अच्छे से फॉलो करोगे। लाइक अगर आप कोई एंटी एक्ने जेल लगाते हो मॉर्निंग में, मॉइस्चराइज करते हो, तो उसको आप प्रॉपर से फॉलो करेंगे। इफ़ यू लाइक दिस स्किन केयर टिप, डू फॉलो अस, डू लीव योर कॉमेंट्स। इफ़ यू वॉन्ट टू नो अबाउट द मेथडोलॉजी ऑफ एप्लीकेशन ऑफ एनी अदर प्रोडक्ट, डू लीव इट इन योर कॉमेंट सेक्शन। थैंक यू।